सबको नमस्कार, जय श्री राम। आज एक नए सेशन में पॉलिटिकल ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स के जो न्यू ग्रुप्स वर्ल्ड में उभर रहे हैं, जो नए एलाइज बन रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे हम। और साथ ही चर्चा करेंगे कुछ नए आर्टिकल्स जियोपॉलिटिशियंस ने या इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने लिखे हैं उनके ऊपर, जिससे एक ओपिनियन पूरी दुनिया में एक प्रकार की बनती है कि आने वाले समय किस प्रकार का होगा और किस प्रकार के चैलेंजेस हमको आने वाले समय में फेस करने हैं। तो यहां पर मैं पहले बता दूं कि मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का टॉपिक मैंने आपको बताई दिया है, यहां मैंने एक रॉबर्ट डी कैपलिन का नाम लिखा। रॉबर्ट डी कैपलिन यूएसए के एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसीज, कूटनीति, इनके ऊपर बहुत अच्छी ओपिनियन रखते हैं, जिनका पूरे दुनिया में बहुत सम्मान है इस क्षेत्र में। इनका एक 1994 में आर्टिकल आया था, कमिंग एनार्की, के एनार्की आती हुई या आ रही, धीरे धीरे विश्व में जो समुदाय है, जनसंख्या है, पंथ हैं, उनमें टॉलरेंस खत्म होती जा रही है और इनटॉलरेंस ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इनटॉलरेंस इस प्रकार का कि वो सिस्टम के खिलाफ है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को, संविधान को, कानून को, सिस्टम को नहीं फॉलो करना चाहते, बल्कि सिस्टम के खिलाफ जाके कुछ करना चाहते, जो कि किसी भी स्टेट और नेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके ऊपर इन्होंने इस बुक में चर्चा की और किन किन पॉइंट्स के तहत चर्चा की वो भी मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट इन्होंने लगा पॉपुलेशन इंक्रीज, जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है पूरी दुनिया की, 7 अरब से ऊपर पहुंच चुके हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, जिसे हम विस्फोट के रूप में या एक्सप्लोजन के रूप में देखते हैं। माल्थस यहां बिल्कुल सही सिद्ध हो रहे हैं कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई होते हुए जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिजायर्स बढ़ रही हैं, उनकी इच्छाएं बढ़ रही हैं, ऊपर वालों को देखकर उनकी लेविश लाइफ जीने का जो दिमाग में एक भ्रम बना हुआ है उसको अचीव करने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। By any how, who can cook, साम दन भेद सब प्रकार के अपनाए जाते हैं, उसमें सिस्टम कानून भी अगर सामने आता है तो उसको भी अवॉइड किया जाता है। तो जब रिसोर्सेस लिमिटेड है हमारे पास पृथ्वी पर, और उसके रेफरेंस में, उसके रिस्पेक्ट में हमने पॉपुलेशन इतनी बढ़ा ली है, और खासकर डेवलपिंग वर्ल्ड जो है, एशियन वर्ल्ड, वहां की पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये प्रमुख जनसंख्या उत्पादन के बाजार हैं। यहां से विश्व को बहुत भारी जनसंख्या का भार मिल रहा है। अब वो भगवान के नाम पर या अल्लाह के नाम पर कुछ भी समझें, या पुराने ट्रेडिशंस या हमारे मजहबी या पंथीय जो सोच है हमारी, या एक सोच ये है कि जनसंख्या हम अपने ग्रुप की जितनी बढ़ाएंगे उतना ही हमारा प्रेशर क्रिएट होगा, उतनी ही डेमोक्रेसी में हम किसी वर्ग विशेष को प्रेशराइज करके लॉबिंग कर सकते हैं, अपनी बातों को बनवा सकते हैं, जैसे साहबानों केस में हुआ। साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 1987 में उसके फेवर में, लेकिन यहां के एक समूह विशेष ग्रुप ने इतना प्रेशर बनाया राजीव गांधी की गवर्नमेंट के ऊपर कि उस डिसीजन को संसद में चेंज करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को संसद में चेंज करना पड़ा, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। वो तुष्टीकरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ, पोलराइजेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कंट्री में सेट हुआ, उसके बाद चीजें अलग अलग बढ़ती हुई चली गई और आपके सामने है। फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया हिंदुओं को सेटिस्फाई करने के लिए, वहां जाया गया, मंदिर को खुलवाया गया, भूमि पूजन का
मैं तो बोलूंगा नाटक किया गया, राजनीतिक नाटक किया गया कि जो हिंदू नाराज हो चुके थे वो शाहबुन केस के बदलने से, डिसीजन के बदलने से, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए कि हम सबके हैं, किसी वर्ग विशेष के नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं। जब एक राष्ट्र का प्रधान से प्रधान कहता है कि किसी भी राष्ट्र के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, उसके बाद बहुसंख्यकों का, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ा फ्रॉड वाला स्टेटमेंट कोई भी नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में अगर हम डेमोक्रेसी के साथ साथ सच्चा पंथ निरपेक्षता अपनाते हैं तो उसमें सब बराबर होने चाहिए, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। ऐसा स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए ऊपर से कि ये वर्ग को हम विशेष अहमियत देते हैं क्योंकि ये हमारा वोट बैंक है, इस वर्ग को हम विशेष अहमियत नहीं देते क्योंकि ये चलता है पे विश्वास रखते हैं। लेकिन वो चलता है कब तक चलेगा? एक बहुसंख्यक वर्ग को अगर आप कॉर्नर कर देंगे तो वो कब तक कोने में खड़ा हुआ बॉक्सिंग या पंचेस खाता रहेगा? एक दिन वो जवाब देगा, और उसने जवाब दिया समय समय पर और अभी भी दे रहा है। और अब अफसोस की बात है कि अभी भी हमारे कई पॉलिटिशियंस को ये इक्वेशन या जनता का मूड या जनता की नब्ज समझ में नहीं आती, इसीलिए वो कॉर्नर कर दिए गए। जिन्होंने जनता को कॉर्नर किया था, बहुसंख्यकों को कॉर्नर किया था, उन्हीं लोगों ने उन पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्नर कर दिया और कईयों को तो उठा के बाहर फेंक दिया बॉक्सिंग रिंग से। तो यहां पर वो कहते हैं कि पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की डिजायर्स, इच्छाएं किस तरह से बढ़ती हैं। दूसरा पॉइंट अर्बनाइजेशन का, हर व्यक्ति शहर में बसना चाहता है, शहर की अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है, गांवों का बखान जरूर करता है लेकिन पढ़ लिख कर गांव में सेटल ना हो कि शहर में सेटल होना चाहता है और फिर भी गांव का बखान करता है। ये दोहरापन है ना। पढ़ लिख कर अगर मैं अपनी अपनी शिक्षा को गांव के विकास में जाके लगाऊं, वहां गांव में जाकर लगाऊं, तो मेरा जीवन सार्थक हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता है तो बहुत कम होता है। तीसरा पॉइंट जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स डिप्लीशन, के संसाधन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एक थाली जो एक आदमी के लिए, अगर उस थाली पर चार पांच लोग बैठ जाएं तो किसी का पेट नहीं भरेगा। आज जनसंख्या को नियंत्रण करने का की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वरना सिविल वॉर की पोजीशन भी आ सकती है। ये जो एनार्की की बात हो रही है, ये एनार्की जब बढ़ जाती है तो सिविल वॉर की पोजीशन आ जाती है। खुली छूट मिल जाती है लोगों को लूटने के लिए, खसोटने के लिए, छीनने के लिए, जलाने के लिए, उपद्रव करने के लिए, जो कि समय समय पर होते हैं लेकिन उनको एक विशेष मुखौटा पहनाकर पेश किया जाता है। कभी हमारी अभिव्यक्ति की आजादी, कभी हम पे जुर्म किया जा रहा है, कभी हम पे सताया जा रहा है, कभी हमको देश से निकाल दिया जाएगा, कभी हमको देश का नागरिक नहीं रहने दिया जाएगा। इस प्रकार के भ्रम और प्रोपेगेंडा फैलाकर देश को गुमराह किया जाता है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है मेरे दोस्त। ये 1960-70 का दौर नहीं है जब आप इन उन लोगों को बेवकूफ बना लेते थे झूठे वादे कर करके। आज इस जनसंख्या के पास, युवा के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जिससे वो आपकी हर खबर रखता है कि कौन सा नेता क्या स्टेटमेंट दे रहा है, क्या ट्वीट कर रहा है, क्या उसकी सोच है। इसलिए बहुत आजकल नेताओं को स्टेटमेंट देते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए कि जनता एकदम सीन चेंज कर देती है। और ऐसा कई बार हुआ भी है। तो यहां पर फिर डेवलपिंग वर्ल्ड का जो एक थ्रेट है, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की थी कि विकसित होता हुआ या विकास करता हुआ जो एक बहुत बड़ा समुदाय है विश्व का,
वो एक थ्रेट के रूप में उभर के आया है। वो उन सब पाश्चात्य सुविधाओं को चाहता है जिन्हें वो फिल्मों में देखता है या पढ़ता है या सुनता है या अनुभव करता है कि मेरे पास वो सारी लेविश लाइफ होनी चाहिए, वो लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए, वो सुविधाजनक, वो बंगला, कार, हर प्रकार की फैसिलिटी सुविधाएं मेरे पास होनी चाहिए। और शॉर्टकट वे से कुछ ही सालों में मैं अरबपति, खरबपति, अंबानी बन जाऊं, टाटा बन जाऊं, बिरला बन जाऊं। लेकिन अंबानी, टाटा और बिरला बनने के लिए पीढ़ियों को खपाना पड़ता है, पीढ़ियों को खपाना पड़ता है। तो ये जो बुक इनकी, एक आर्टिकल रॉबर्ट डी कैपलन का था, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ अपने समय में और आज भी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही बनी हुई है। फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने 2000 में एक और आर्टिकल लिखा, वॉज डेमोक्रेसी जस्ट अ मूवमेंट। कि ये जो एनार्की बढ़ रही है, इस एनार्की के कारण डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप पिछले 10-15 सालों को उठा के देखें और विश्व की के देशों की राजनीति को देखें तो वहां पर नेशनलिज्म बहुत बड़ा है। इसे आप राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं हिंदी में। अब राष्ट्रवाद बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में जो पंथ निरपेक्षता एक बहुत बड़ी बड़ा पॉइंट जुड़ा हुआ है, उसके साथ ही वहां पे लोग जो रह रहे हैं उनकी डिजायर्स क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, कौन से गोल उन्होंने अपने दिमाग में सेट कर रखे हैं, कौन से रोल मॉडल्स उन्होंने बना रखे हैं। अगर इसी प्रकार से ये सिस्टम चलता है तो वर्ल्ड की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में प्रजातांत्रिक देशों में भी शक्तियां बढ़ी हैं, वहां पर भी हार्ड रूल्स लागू किए गए हैं। किस लिए किए गए? क्योंकि एक तो वहां के लोगों की आवाज बढ़ी है, बहुसंख्यकों की आवाज बढ़ी है कि बाहर से आए हुए या अल्पसंख्यकों की जो जो इस प्रकार की अवांछनीय इच्छाएं हैं, मांगे हैं, डिमांड्स हैं, उनको लगाम लगाई जाए। ये जो स्टिकरण का जो पार्ट है ये बड़ा खतरनाक होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी में और पंथ निरपेक्षता में जब तक सब बराबर ना हो, और डेमोक्रेसी में पंथ निरपेक्ष कौन होगा? लोग नहीं, सरकार, सिस्टम। और अगर सिस्टम किसी विशेष वर्ग को ज्यादा वेटेज देगा तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ेगी। लोगों को समझाना भी बहुत जरूरी है। और ये धार्मिक और मजहबी जो ग्रुप्स हैं ये लोगों को समझने नहीं देते। ये लोगों के सामने, जनता, आम जनता जो गरीब है, बेरोजगार है, अशिक्षित है, उनको समय समय पर गुमराह करते रहते हैं। तो यहां पर वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है, आ रही है धीरे धीरे। अब मैं यहां पर आता हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन जियोपॉलिटिक्स, हमने पहले कुछ वर्ल्ड ऑर्डर की बात की थी। एक वर्ल्ड ऑर्डर 1914 से 18 तक चला, जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बना, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बना, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कोल्ड वॉर था उससे संबंधित एक ऑर्डर बना, और 1991 के बाद में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, जब यूएसएसआर ब्रेकअप हुआ, टूटा, उसके बाद एक नया सिस्टम, एक नया ऑर्डर उभर के आ रहा है या आ चुका है आप कह सकते हैं। अब यहां पर एक और बात इससे संबंधित है, द वर्ल्ड इज फ्लैट, ये आर्टिकल थॉमस फ्रेडमैन ने लिखा था, जिसमें ग्लोबलाइजेशन की उन्होंने स्टेजेस बताई थी, स्टेज 1, 2, 3, और वो ट्रेड और कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई। वर्ल्ड इज फ्लैट मतलब क्या है? मतलब अर्थ या वर्ल्ड गोल ना होके फ्लैट है, ऐसा नहीं है। वे कहते हैं यहां फ्लैट, फ्लैट या फ्लैटनेस से मतलब है एक रूपता आ रही है।
कि पूरी दुनिया में एक रूपता आ रही है, और वो एक रूपता किस रूप में? ट्रेड और कम्युनिकेशन के रूप में, व्यापार, उद्योग धंधे और संचार के जो साधन विकसित हुए हैं, मोबाइल, इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्होंने लोगों को जागरूक किया है अधिक से अधिक, और किसी हद तक गुमराह भी किया है। ये जो पढ़ा लिखा तबका है ना हमारे देश में, जितना पढ़ा लिखा तबका है ये ज्यादा बदमाश मानता हूं मैं, क्योंकि ये जो अशिक्षित तबका है उसको गुमराह करने में टाइम नहीं लगा था। ये कई प्रकार के प्रोपेगेंडा फिक्स करता है, कई प्रकार के भ्रम उनके मन में बिठाना पड़ता, बिठाने का प्रयास करता है, गलत रास्ते पे डालने का प्रयास करता है, क्योंकि इनकी कुछ पॉलिटिकल डिजायर्स होती हैं। इनको इन मूवमेंट्स के द्वारा, इन एजिटेशंस के द्वारा कुछ अचीव करना होता है, और बाहर और अंदर बैठे इनके माई बाप इनको जिस प्रकार के ऑर्डर्स देते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो डेमोक्रेसी में अगर आपको राइट मिला है, अधिकार मिले हैं, तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। अभिव्यक्ति है तो उन अभिव्यक्तियों को समझने का मादा भी होना चाहिए आपको, कि कौन सी अभिव्यक्ति मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए उपयोगी है। अब मैं अगर सड़क पर खड़ा होकर गालियां मकने लगूं सिस्टम को और लोगों को, किसी धर्म विशेष को, तो ये मेरी अभिव्यक्ति नहीं है, ये मेरी मूर्खता होगी। और कानून को इस पर सख्त रवैया अपनाना चाहिए, राष्ट्र को इस पर सख्त रवैया अपनाना चाहिए। तो ये कहते हैं कि टॉमस फ्रेडमैन कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी थर्ड स्टेज में चल रहे हैं हम, इसमें वर्ल्ड इज फ्लैट, एक विश्व में समानता स्थापित हो रही है, और वो समानता का जरिया वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन तो है ही। ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण में ट्रेड और कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा टॉमस फ्रेडमैन कहते हैं। इस आर्टिकल को भी बहुत ही विश्व स्तर पर सम्मान मिला, आदर मिला, लोगों ने इसको बहुत फॉलो किया, इसको माना। अब हम इस मेन मुद्दे पे आते हैं कि न्यू ग्रुप्स, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन जियोपॉलिटिक्स में न्यू ग्रुप्स बन रहे हैं वो कौन से हैं, और इनका इम्पैक्ट हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर, हमारे लोगों पर क्या पड़ रहा है, और आने वाले समय में इनका क्या प्रभाव होगा और अधिक। यहां मैंने लिखा है फर्स्ट ग्रुप, जिसमें यूएसए, इंडिया, जापान, फ्रांस, यूके, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और ताइवान है। ये लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत आता है। पहले के हमारे राजनेता वेस्ट की ओर देखते थे, नई गवर्नमेंट ने चाइना को काउंटर करने के लिए ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, कि चाइना अगर हमको घेरता है तो हम चाइना के आसपास जो उसके दुश्मन देश है उनसे मित्रता करेंगे। दिस इज द कूटनीति, ये कूटनीति होती कि आप जिस हथियार से हमें मारेंगे हम वैसा ही हथियार उससे भी ज्यादा खतरनाक आपके लिए इस्तेमाल करेंगे, और आप उस प्रकार का विध्वंस नहीं चाहते हैं तो चुप रहें, किसी को परेशान ना करें, जियो और जीने दो बेस्ट पॉलिसी है। लेकिन उसको लोग नहीं मानते। चाइना जो इस प्रकार से एक्सपेंशन पर उतरा हुआ है और यूएसए को हटाकर नंबर वन की रैंकिंग लेना चाहता है, बाय एनी वे कैन कुक, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना कर, यूएसए ने, यूएसए की पोजीशन बनने में उनकी पीढ़ियां खप गई, वो दो चार पांच या सौ साल में नहीं बना, 250-300-400 साल की मेहनत है वहां के लोगों की, वो तकनीक, वो टैलेंट, वो इन्वेंशन, वो डिस्कवरीज है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी है जो चाइना के पास 10% भी नहीं है। लेकिन वो कहावत सुनी है ना आपने हमारे देश में कि थोता चना बाजे गणा, खाली बर्तन ज्यादा बचता है, और जिस चने को दीमक खा जाती है या घुन खा जाता है वो ज्यादा बचता है, अंदर मादा वो नहीं है लेकिन सोच सातवें आसमान की बन जाती है। जो वो इस प्रकार की कंट्री विश्व के लिए, विश्व के समाज के लिए एक बहुत बड़े
चैलेंज के रूप में, एक बहुत बड़े थ्रेट या चुनौती के रूप में होते हैं। यह पहला ऑर्डर है। इसमें रशिया का भी कुछ पता नहीं कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं किधर जाऊं। वो कभी इस पहले वाले ग्रुप से जुड़ जाता है, कभी दूसरे वाले ग्रुप से जुड़ जाता है, जिसकी मैं अभी चर्चा करूंगा। पहला ग्रुप तो ये, मैंने इसलिए बीच में रशिया लिखा है। दूसरा ग्रुप बन रहा है चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, नॉर्थ कोरिया और मलेशिया, जिसमें चाइना इनको डोमिनेंट कर रहा है। पहले वाले ग्रुप में यूएसए पहले ग्रुप को डोमिनेट कर रहा है। तो यहां पर चाइना और चाइना के साथ टर्की जुड़ा हुआ है। अब ये टर्की आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने होने वाला। जब उस्मानिया सल्तनत या ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ था 1923 में, तो 1923 में वहां के पहले प्रेसिडेंट बने थे अतातुर्क मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल अतातुर्क, या जिसे पाशा भी बोलते हैं। उन्होंने अरब से जुड़ने की अपेक्षा अपने आप को यूरोप से जोड़ना की प्रयास किया, प्रारंभ किया, क्योंकि यूरोप टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्षता में अरब से बहुत आगे था। वो तुर्की टोपी जो बनती थी एक छल्ले के सभी, उसको भी बैन कर दिया। ड्रेसेस वगैरह, कस्टम्स वगैरह, मस्जिदें वगैरह, कट्टरवाद वगैरह सब कमाल पाशा ने बंद कर दिया। न्यू एजुकेशन सिस्टम को शुरू किया, टर्किश को भी रोमन में लिखने का सिस्टम प्रयास शुरू किया गया। आज टर्किश रोमन की तरह लिखी जा रही है, अरबी भाषा की तरह नहीं लिखी जा रही, लिपि की तरह नहीं लिखी जा रही। तो यहां पर इस मुस्तफा कमाल पाशा ने, जो अतातुर्क भी कहलाते हैं, 1923 से 1938 तक टर्की को पूरी तरह से यूरोप से जोड़, इज नोन एज द फादर ऑफ डेमोक्रेसी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ टर्की। टर्की को बहुत मॉडर्नाइज कर दिया, बहुत आगे कर दिया है। लेकिन साथ ही कुछ मजहबी ताकतें भी बीच बीच में उभरती रही, जिनको इन्होंने बहुत सख्ती से कुचला। और इकोनॉमिक लेवल पर, इकोनॉमिक स्टेट पर टर्की को टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हायरार्की दी। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया डेवलप किया इन्होंने कि पूछिए ना। लेकिन इनके बाद आने वाले जितने भी शासक हुए, वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता से भटकते चले। और वर्तमान के जो शासक हैं, रजब तैयब इर्दुगान, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। कमाल पाशा ने जो किया था, उस सारी मेहनत पर इन्होंने पानी फेर दिया। ये वापस से टर्की को वही खलीफा पीरियड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उस समय जो ऑटोमन या एम्पायर जो था, उसके तहत जो लोग, जो एरिया आते थे, उन पर भी क्लेम है कि 2023 तक 100 साल की ट्रीटी का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा और हम जो करना चाहे वो कर पाएंगे। जबकि ऐसा कुछ ट्रीटी में लिखा नहीं गया है, ये सिर्फ 100 साल की ही होगी। जो स्विट्जरलैंड में 1923 में जब ट्रीटी हुई थी एलाइज और टर्की के बीच में, उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है कि ये सिर्फ 100 साल तक ही रहेगी ट्रीटी। तो इसमें वो चैलेंज क्या करते हैं, स्पेन का बहुत बड़ा पार्ट इसमें, सदर्न स्पेन चैलेंज करते हैं, पूरा ग्रीस चैलेंज करते हैं, इजिप्ट चैलेंज करते हैं, और टर्की का जो सदर्न पार्ट है जिसमें सीरिया और इराक भी आता है, उनके भी बहुत बड़े पार्ट को चैलेंज करते हैं कि ये एक दिन टर्की का होगा। और जो खलीफा का जो सिस्टम था, खिलाफत सिस्टम था, उसको हम वापस स्थापित करेंगे। अभी कुछ समय पहले ही एक म्यूजियम को, जो पहले चर्च था, सोफिया चर्च और म्यूजियम, उसको इन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट किया।
आज भी लोगों के दिमाग में इस प्रकार की सोच है। जो कमाल पाशा ने मेहनत की थी टर्की को आगे ले जाने के लिए, टर्की को मॉडर्नाइज करने के लिए, टर्की की इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए, उस सब पर ये बेवकूफ आदमी पानी फेंकता जा रहा है। तो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट वापस से टर्की में, टर्की को उस ग्रिप में लेने का प्रयास कर रहे हैं और टर्की अरब को हटाकर, अरब की लीडरशिप को हटाकर खुद लीडरशिप लेना चाहता है। अरब और टर्की के कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को किस प्रकार से मोहरा बनाया दोनों देशों ने। एक सम्मेलन में पाकिस्तान मलेशिया जाना चाहता था, इमरान खान को मलेशिया जाने से सऊदी अरब ने रोक दिया क्योंकि वो टर्की का रहा था और वो रुक गए कि माय बाप ठीक है आपने जो कहा मैं उसको फॉलो करता हूं, क्योंकि वो तो अभी इस स्टेज में कि जहां से कटोरे में जो कोई डाल दे वो स्वीकार है कि जी हुजूर माय बाप बहुत बहुत शुक्रिया। और $6 बिलियन का जो लोन दिया था उन्होंने, जो अभी टर्की के खिलाफ, जो सऊदी अरेबिया के खिलाफ वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे गुस्सा है सऊदी अरेबिया ने $1 बिलियन लोन एकदम चुकाने के लिए कह दिया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के तो तोते उड़ गए। चाइना जो दूसरा माई बाप उसने बनाया उससे लोन लेके, उससे कर्ज लेकर उसको चुकाया गया। और जो फ्री में पेट्रोल दिया जाता था या बहुत कम रेट पर पेट्रोल दिया जाता था उसको भी रोक दिया गया। तो मुस्लिम वर्ल्ड का या इस्लामिक उम्मा का, इस्लामिक उम्मा मतलब जो इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करता है, जो 58 देश है उनको कंट्रोल करना चाहता है, OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है उसको लीड करना चाहता है जिसमें इस्लामिक देश ही होंगे। भारत ने इसमें कई बार घुसने की कोशिश की, पाकिस्तान को पसंद नहीं आया। अभी कुछ समय पहले सुषमा स्वराज जी को इनवाइट किया गया था उनकी मृत्यु, उनके स्वर्गवास से पहले, और वो सक्सेसफुली OIC में गई, उन्होंने अपने पक्ष को रखा ये कहते हुए कि हमारे देश में सभी मुस्लिम वर्ल्ड से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, जितने भी देश हैं जितनी अगर उनकी पॉपुलेशन मुस्लिम वर्ल्ड कंट्री की देखी जाए तो उनसे ज्यादा हमारे यहां पर मुस्लिम्स रहते हैं और उनको वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो हिंदुओं को मेजोरिटी को प्राप्त है, कोई भी अधिकार कट नहीं किया गया है। इस बात को वहां के लोगों ने बड़े गौर से सुना। कश्मीर की प्रॉब्लम, कश्मीर को प्रॉब्लम बनाकर सब जगह उठाया गया, लेकिन पिछले साल 5 अगस्त को इस प्रॉब्लम को इंडिया ने अपनी तरफ से सॉल्व कर लिया है। हमारे लिए अब कश्मीर कोई प्रॉब्लम है तो वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें आजाद कश्मीर और बल्तिस्तान गिलगित वाला एरिया आता है, और अक्साई चीन जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। अब इंडिया की तरफ से कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमें वापस लेना है, ये इंडियन सिस्टम या इंडियन गवर्नमेंट की सोच है, और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको वापस लेना। तो यहां पर इन दोनों कंट्री के बीच में मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर शासन करने की, क्योंकि भू राजनीति जो चल रही है उसमें मुस्लिम वर्ल्ड, विशेषकर जिनके पास पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, उनका बहुत बड़ा रोल है, और सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना होने के कारण से उनका रोल हमेशा सबसे ऊपर रहा है, OIC को हमेशा उन्होंने लीड किया है। अब टर्की चाहता है कि वो लीड करे, इसलिए टर्की वो सब करता है जो अरब कंट्री के या सऊदी अरब के खिलाफ हो। तो एक न्यू ऑर्डर ये तीन प्रकार के बन के आ रहे हैं हमारे सामने। पहले ऑर्डर में USA, इंडिया, जापान, फ्रांस, UK, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ताइवान है,
और दूसरा ऑर्डर है चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, नॉर्थ कोरिया और मलेशिया, जिसमें कुछ ये लोग जो पार्ट चाहते हैं टर्की वाले, ये ग्रीस, सीरिया, इराक, इजिप्ट, स्पेन का सदर्न पार्ट चाहते हैं। और टर्की में का जो सोचना है कि 1923 से 2023 के तक 100 साल कंप्लीट हो जाने के बाद में हम वो उस ट्रीटी से फ्री हो जाएंगे जो 1923 में स्विट्जरलैंड में की गई थी, वो फ्रेंच लैंग्वेज में की गई थी, उसमें मैंने उस ट्रीटी को पढ़ा है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 100 साल में फ्री हो जाओगे, लेकिन टर्की गवर्नमेंट को और टर्की जो प्रेसिडेंट हैं इस समय एर्दोगान, उनकी ये सोच है कि हम अब विश्व पर वापस से खलीफा वाले सिस्टम लादने का प्रयास करेंगे, यानी कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे जाएंगे। समझदार आदमी हमेशा आगे बढ़ता है, बेवकूफ आदमी हमेशा पीछे जाता है। पीछे जाने का मतलब नहीं है कि हम इतिहास को भूल जाएं, हम इतिहास से सबक लें कि हमने इतिहास में हमारे पूर्वजों क्या गलतियां की और हम वर्तमान में और भविष्य को किस प्रकार से सुधारें, तब हम सही प्रकार से किसी भी कंट्री या नेशन या स्टेट को चलाने में कामयाब हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। मजहब को जब तक आप अपने सिस्टम से अलग नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी स्टेट में शांति नहीं हो सकती। आप ये 58 इस्लामिक कंट्रीज को उठा के देख लीजिए, कुछ एक को छोड़कर वहीं पर डेमोक्रेसी है, कुछ कंट्रीज है, एक दो मुश्किल से वहां पर डेमोक्रेसी है, अदरवाइज 55-56 कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्री में डेमोक्रेसी का कोई नाम नहीं, वह एक प्रकार की तानाशाही है। इस्लामिक सिस्टम है, शरिया सिस्टम है, जिसके तहत चोरी की तो हाथ काट देंगे, आंखें फोड़ देंगे, बहुत बड़ा कुछ जुर्म किया तो गोली से उड़ा देंगे, या सरे बाजार में पत्थरों से मार के हत्या कर दी जाएगी, या सरे बाजार फांसी दे दी जाएगी, या गोलियों से भून दिया जाएगा। 2020 में भी हम इस प्रकार की सोच अगर रखते हैं तो ये मानवता के लिए बहुत बड़ा कलंक है। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाने का टाइम है, किसी एक परिवार या किसी एक समूह या किसी एक मजहब के बनाई हुई रस्मों के मुताबिक स्टेट नहीं चल सकते। अब स्टेट चलाने के लिए नए आयामों की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, और वो नए आयाम क्या होंगे, निश्चित रूप से वो नए आयाम डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म से ही निकलेंगे, इस्लामिक वर्ल्ड से नहीं निकलेंगे, पुराने सिस्टम से नहीं निकलेंगे। कई कंट्रीज ऐसा प्रयास कर रहे हैं, जैसे चाइना ने प्रयास किया कि सभी प्रकार के वहां पर राइट्स वगैरह हैं, एजिटेशंस वगैरह हैं, उन सबको दबा के रखा है चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने, लोगों को मशीन बना दिया है, इतने बजे आप उठोगे, इतने बड़े बजे आप काम पे जाओगे, इतने बजे आप छूटोगे, इतने बजे आप जाके सो जाओगे, फिर वापस दे, ये सिस्टम एक मशीन की तरह चलता रहेगा। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, सरकार ने जो कह दिया वो आपको फॉलो करना है, नहीं करेंगे तो दूसरे दिन आप और आपका परिवार दिखेगा ही नहीं, कहां गया पता नहीं। तियानमन चौक का एजिटेशन आपको याद है, जो लाखों चीनी स्टूडेंट्स ने एजिटेशन किया था और वहां की सरकार ने उसको कुचल के रख दिया, लाखों स्टूडेंट्स को मार दिया, टैंकों को चढ़ा दिया था, गोले बरसा दिए थे, गोलियों से उड़ा दिया था। और ऐसे लोग फिर मानव अधिकार की बात करते हैं, ये कैसा दोहरापन है। मानव अधिकार की भी बात करेंगे और मानव को गलत तरीकों से उड़ा भी देंगे। कम्युनिस्ट शासित देशों में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, चाहे क्यूबा हो, चाहे ईस्टर्न यूरोप के जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कंट्री रहे हैं, वो सबसे ज्यादा हत्याएं हुई। और ये हत्याओं का अगर आंकड़ा देखा जाए
तो ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में मरे हुए लोगों से कई गुना ज्यादा है, करोड़ों करोड़ों में इसकी संख्या है। क्या निजाम का ये कर्तव्य है, क्या निजाम की ये ड्यूटी है कि अपनी शहरियों को इस प्रकार से जुल्म सितम करें और उनको मारें? ये इस प्रकार की जियोपॉलिटिक्स विश्व में ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं होती। तो इन तीनों ग्रुप में, इन दोनों ग्रुप में रशिया भी बीच में, मैंने आपको बताया रशिया भी ना तो पूरी तरह इस पहले वाले ग्रुप से जुड़ पाया, ना तो पूरी तरह से दूसरे वाले ग्रुप से जुड़ पाया है। ये दोनों को मीठी गोली दे देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्यों रशियन तेज होते हैं बहुत, लेकिन वो ढेर शानापन ज्यादा समय नहीं चलता है। कहते ना कि वो काट की हांडी एक दो बारी आंच पर चढ़ती है, आग पर चढ़ती है, बार बार नहीं। तो इसको भी, रशिया को भी इससे और इससे जुड़ना पड़ेगा आने वाले समय। अब मैंने ये जो ऑर्डर बताया आपको, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन जियो पॉलिटिक्स, ये कोई परमानेंट ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर और सिस्टम हमेशा कंट्री के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बदलते रहे हैं और बदलते रहेंगे, क्योंकि आज क्या लोगों में सोच आ गई है कि आवर इंटरेस्ट, आवर कंट्रीज इंटरेस्ट इज द बेस्ट इंटरेस्ट। हमारे राष्ट्र का जो स्वार्थ है, हमारे राष्ट्र का जो इंटरेस्ट है, वो सबसे अच्छा है, द बेस्ट। उसके मुताबिक फॉरेन पॉलिसीज बनेंगी, उसके मुताबिक कूटनीति बनेगी होगी, उसके मुताबिक इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्थापित किए जाएंगे अन्य देशों से, अन्य समूहों से। नए वर्ल्ड ऑर्डर बनेंगे, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर्स बनेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही सब प्रकार के बदलाव होंगे। तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में कहा था कि पॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, ये हमेशा बदलते रहते हैं। जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त हो सकता है, जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन हो सकता है, कोई स्थायी नहीं है। और वैसे देखें तो ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है, एवरीथिंग इज मूवेबल, एवरीथिंग इज मूविंग, चलायमान है सब कुछ, एक छोटे से अणु से लेकर बड़ी बड़ी चीजों का, स्टार्स, प्लैनेट्स, हेवनली बॉडीज जितनी भी। और तो ये भी सिद्ध हो गया है कि हमारे ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है, एक यूनिवर्स नहीं, पैरेलल कई यूनिवर्स है, और उन सब में मूवमेंट है, उन सब में स्पंदन है। तो फिर मानव का मस्तिष्क और उसका स्वार्थ एक जगह कैसे रुकेगा, सोचिएगा इस चीज को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी